मुझसे चैलेंज ले लीजिए कि राइस से बेहतर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो बालों को फ्लोर लेंथ तक लेके जा सकता है। मैं पहली बार राइस मिल्क को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एज अ हेयर मास्क, जो आपको हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, प्लस गाइस आपके बालों को बीच बीच से टूटने नहीं देगा, यानी कि ब्रेकेज का प्रॉब्लम खत्म होने वाला है, बालों में गजब की शाइन आने वाली है। और गाइस आपके बाल जो फर्दर डैमेज हो चुके हैं सन डैमेज की वजह से या फिर कोई भी पॉल्यूशन की वजह से, वो भी क्योर होने वाली है। गाइस बहुत ही अच्छा मास्क है, गाइस आपका जो प्रॉब्लम है ये उसको क्योर करेगा। प्लस गाइस राइस मिल्क और राइस वाटर में ये डिफरेंस होता है कि राइस मिल्क जो होता है वो रिच इन प्रोटीन होता है, यानी कि उसमें हाई प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन हमारे बाल जो है प्रोटीन से बने होते हैं, और उसमें हम प्रोटीन को जब ऐड कर रहे हैं यानी कि उस प्रोटीन का कोई मास्क लगा रहे हैं, तो गाइस रिजल्ट जो है वो काफी गजब का होने वाला है। गाइस तो गाइस आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। तो गाइस हमें ले लेना है राइस, किसी भी तरह का व्हाइट राइस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बासमती राइस का यूज कर रही हूँ क्योंकि आज मैं घर पर बिरयानी बनाने वाली हूँ गाइस, तो इसीलिए उसी चावल का मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। आपके पास बासमती नहीं है तो आप कोई भी व्हाइट राइस का यूज कर सकते हैं, जो जिस चावल का आप खीर बनाते हैं उस चावल को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट होना चाहिए। आपको दूसरा कलर का ब्राउन राइस नहीं लेना है, व्हाइट राइस की यहाँ मैं बात कर रही हूँ। तो गाइस राइस को लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको लेना है 2 टेबलस्पून ऑफ राइस, उसको आपको 1 घंटे के लिए पानी में डुबोकर रख देना है। धोने के बाद 3 से 4 पानी से धो लीजिए, उसके बाद जो पानी आप पीते हैं उस पानी में उसको डुबोकर 1 घंटे तक आप रख दीजिए। कितना पानी में डुबोना है गाइस, कम से कम 2 चम्मच आपने पानी मतलब राइस लिया है तो 5 चम्मच आप पानी में इसको डुबोकर रख दिए 1 घंटे तक जी गाइस। उसके बाद गाइस आप ले ले मिक्सी जार, और ये जो राइस है आपका और पानी के साथ आप मिक्सर जार में इसको डाल दीजिए। हाई प्रोसिटी जिनका हेयर है वो इसको जो है हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनका लो प्रोसिटी है वो 15 दिन में एक दफा इसका यूज करेंगे। तो गाइस आ जाती हूँ टॉपिक पे, करना क्या है। तो गाइस इसको आप जब आप मिक्सर यार में इसको डाल दें तो इसको अब डायरेक्ट हम मिल्क नहीं बनाएंगे, चाहे तो आप 2 स्टेप में कभी एक में मिल्क बना लिए। इसके बाद गाइस जो मैं दूसरा इंग्रेडिएंट आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो है हिबिस्कस लीव। गाइस हिबिस्कस लीव जो होता है आपके हेयर से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम का इलाज है गाइस। ये इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है, ये आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, ये आपके जो रुकी हुई ग्रोथ है गाइस उसको तक ये जो है दोबारा से उसमें जान ला देता है। मैं इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बातों में तो आप जाकर गूगल में सर्च कीजिए हिबिस्कस लीफ, आपको पूरी डिटेल्स आ जाएगी गाइस गूगल में। अगर आप रिसर्च करेंगे कि हिबिस्कस लीफ आपके हेयर से रिलेटेड आपको क्या प्रॉफिट क्या कमाल का असर करने वाला है, आप जाकर सर्च कर लीजिए अगर यकीन नहीं है तो। लेकिन मेरी तमाम व्यूवर्स मुझ पर बहुत यकीन करते हैं क्योंकि मैं अपने आप पे ट्राई करती हूँ देन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज आपको ले लेना है हिबिस्कस लीफ, आपके पास अगर है तो आप फ्रेश तो फ्रेश लीजिए, फ्रेश की तरह कोई चीज़ नहीं काम करती। नहीं है तो ड्राई अवेलेबल है ऑनलाइन में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो पाउडर मिलेगा, पाउडर ले लीजिए। अब कोई लोग कहेंगे कि हिबिस्कस लीफ नहीं है हिबिस्कस फ्लावर है, क्या हम उसको फ्लावर को यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, बेझिझक होकर कीजिए, कोई बात नहीं है। फ्लावर है तो आप फ्लावर ले लीजिए, नहीं है तो लीव ले लीजिए। लेकिन जो कॉम्बिनेशन मैं बता रही हूँ उस कॉम्बिनेशन में आप करेंगे तो रिजल्ट जो है वो मुझे जैसा मिला है वैसा आपको भी मिलेगा गाइस। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। तो गाइस आपको ले लेना है हिबिस्कस लीफ, मैंने यहाँ फ्रेश लिया है क्योंकि मेरे पास हिबिस्कस का पौधा है। 150-200 में गाइस मिल जाता है, आराम से घर पे लाइए, 6 महीना तक यूज कीजिए। 6 महीना, साल भर, 2 साल भर गाइस आप जितना उसका केयर करेंगे वो 150-200 आपका पत्ता होते रहेगा और आपको लीफ और आपको मैजिक जो है आप क्रिएट करते रहेंगे अपने हेयर में। तो गाइस उसको तोड़ लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप जो है इस लीफ को, इसको कितना लेना है गाइस, 10 से 12 पीस आप लीजिए, नॉट एन इश्यू। धो लीजिए और उसी मिक्सचर जार में आप इसको डाल दीजिए। डालने के बाद गाइज आपको इसको ग्राइंड कर देना है जी गाइज। ये कच्चा चावल प्लस पानी और प्लस आपका हिबिस्कस लीफ, इसको आप ग्राइंड कर लीजिए। करने के बाद हमें इसको स्ट्रेन करना है। जब ग्राइंड हो जाएगा इस तो ये जो आपकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी थोड़ा जेल बेस में आ जाएगी, क्योंकि हिबिस्कस जो होता है गाइज ये जो है स्लाइमी कंसिस्टेंसी में आता है जब हम इसका जो है ग्राइंड करते हैं। तो इसीलिए गाइज जब इसको आप ग्राइंड कर रहे हैं तो ये थोड़ा स्लाइमी हो जाएगा। इसको स्ट्रेन करेंगे जब आप तो ये थोड़ा जेल कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। स्ट्रेन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमने यहाँ कच्चा चावल का यूज किया है गाइस, तो वो जो है उसका ग्रैनुअल जो है वो छोटा छोटा बालों में जो है स्कैल्प में जाकर
ग्रैनुल्स चिपक जाएगा गाइस, तो धोने में प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस अगर ये आपके बालों में रह जाएगा तो फिर आपको कोई ना कोई फंगल इश्यू हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेन कर लीजिए बेझिझक अच्छे से। अगर बहुत ज्यादा थिक हो गया आपका पेस्ट तो आप वही राइस वाटर का एक दो चम्मच और बढ़ा लीजिए, या फिर नॉर्मल वाटर दे के भी आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, नॉट एन इशू गाइस। जब ये आप स्ट्रेन कर लें तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाएगी जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। अभी ये कम्प्लीट नहीं है, अभी इसमें जो हम तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे गाइस, ये हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। और ये जो तीन चार चीज जो आज मैंने वीडियो बनाया है गाइस, जो मास्क का लेकर, ये चारों चीज आपस में गाइस इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको देने वाला है कि आप हैरान हो जाइएगा जब आप इस मास्क को लगाइएगा। और फर्स्ट वॉश में आपको रिजल्ट जो है गाइस काफी अमेजिंग मिलने वाला है। तो गाइस इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जिसे अरंड का तेल कहते हैं गाइस, अरंडी का तेल कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा ये ऑनलाइन में या ऑफलाइन, आप कहीं से भी परचेज करके अपने पास रख लीजिए। अगर आप हेयर लवर है तो आपके पास कैस्टर ऑयल होना जरूरी है। अब इसमें गाइस हमें डालना है एक चम्मच कैस्टर ऑयल का, और कैस्टर ऑयल डालने के बाद आपको डालना है एक चम्मच कोकोनट ऑयल। जी गाइस कोकोनट ऑयल भी इसमें डालना है, कोई फर्दर होममेड ऑयल मत बनाइए डालिएगा, जो आपने बनाकर रखा हुआ है वो उसका काम अलग होता है। जिस चीज का मैं बता रही हूँ उस चीज को आप यूज कीजिएगा तो रिजल्ट काफी गजब का मिलने वाला है आपको। तो 1 teaspoon आपको या टेबल स्पून आपको कैस्टर ऑयल ले लीजिए और 1 tablespoon आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए। इसको डाल देना है आपको इसी मास्क में, क्योंकि गाइस ये आपस में नहीं मिलेंगे, ऑयल और पानी नहीं मिलता है। तो आप वापस से इसको मिक्सर ग्राइंडर में लीजिए और एक बार सिर्फ घुमाइए, ये आपस में अच्छे से कंबाइंड हो जाएंगे गाइस। उसके बाद इसको निकाल लीजिए। अब गाइस आपका जो मास्क बोल लीजिए, सीरम बोल लीजिए, हो गया रेडी। और ये आपको इतना सुपर रिजल्ट देगा गाइस कि आप पहला एप्लीकेशन में आपको विजिबल डिफरेंस मिलेगा। हेयर फॉल 50-80% तक पहला एप्लीकेशन में गायब हो जाएगा, और 2-3 दफा यूज करने पर गाइस आपको बेबी हेयर निश्चित रूप में नजर आएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। ये अब गाइज आ जाती है बारी इसकी एप्लीकेशन की। तो गाइज इसको पहले आप कोई भी बॉटल में या फिर प्याला में जैसा आप स्टोर करना चाहें रख लीजिए बनाकर। उसके बाद गाइज एप्लीकेशन करते वक्त हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। अगर आप हाथ से लगाने वाले हैं, बाल आपके 2 या 3 दिन के धुले हुए होने चाहिए, ज्यादा गंदे बालों पे इसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे आप। दूसरी और तीसरी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट बात, बालों पे कंघी कीजिएगा जब भी आप ये सीरम का यूज कीजिएगा। टैंगल फ्री करने के बाद पहले पूरे स्कैल्प में लगाइएगा, और ये एक ऐसा सीरम है गाइज जो आप लेंथ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि हिबिस्कस है, राइस है गाइस, तो ये हमारे बालों को काफी अच्छा करने वाला है। तो आप लेंथ पे भी इसको बेझिझक होकर लगा सकते हैं। पहले आपको स्कैल्प पे फोकस करना है, देन जो बचता है उसको आप लेंथ में लगा सकते हैं। तो गाइस मेरी जितनी मैंने जितना बनाकर रखा है वो मेरा स्कैल्प में भी आ जाएगा और लेंथ में भी आ जाएगा। इतना आप बनाइए कि आपको पूरा हेड जो है, पूरा बाल जो है कवर हो जाए। तो गाइस पार्टीशन बाय पार्टीशन इसको अच्छे से लगा लीजिए, देन आप इसको टाई करके मिनिमम 30 मिनट्स और मैक्सिमम 45 मिनट्स तक इसको अपने बालों पर रहने दीजिए। देन इसको वॉश कैसे कीजिएगा, पहले बालों को अपसाइड डाउन कर लीजिएगा, नॉर्मल वाटर से, प्लेन वाटर से आप हेड को वॉश कर लीजिएगा। पूरा ग्रैनुल्स पहला बात तो इसमें होगा नहीं क्योंकि आपने स्ट्रेन कर लिया, और इजिली रिमूव होगा गाइस, धोने में कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। देन बहुत जरा सा शैम्पू लीजिएगा, पानी में डाइल्यूट कीजिएगा और इसको शैम्पू कर दीजिएगा। और इसमें कोई आपको रिंस करने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में एक इतना अच्छा पैक है गाइस कि आपको शैम्पू करने के बाद भी इसका जो है प्रोटीन जो है वो आपके बालों को ये जो है लॉक करके रख देगा अगला रेमेडी तक। गाइज ये इतना अच्छा प्रोटीन हेयर मास्क मैं आपके साथ या सीरम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब गाइज आपकी आ जाती है कि आप इसको पॉलिथीन से लेकिन कवर जरूर कर दीजिए, क्योंकि 30-45 मिनट्स इज सफिशियंट टाइम, ये अपना काम कर देगा। उसके बाद गाइज आ जाती है बारी इसको कौन कौन लगा सकता है, मेल फीमेल। तो गाइज इसका इस्तेमाल आप मेल में भी कर सकते हैं, फीमेल में भी कर सकते हैं, हर जेंडर को इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे पर रहा गाइज सवाल, तो बच्चे भी गाइज आराम से लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों को लगाने से पहले एक दफा थोड़ा सा मास्क लेके कान के पीछे आप लगा दीजिए। लगाकर आप कम से कम 5-10 मिनट तक रहने दीजिए। इसको पैश टेस्ट बोला जाता है, अगर वो ठीक है, एलर्जी नहीं है उनको कोई भी चीज से, या हिबिस्कस लीफ हमने यहाँ यूज किया है इसीलिए मैं कह रही हूँ, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो बच्चे का टाइम पीरियड आप कम कर दीजिए, यानी कि अगर 30 मिनट्स अगर आप रख रहे हैं तो बच्चे को जो है 15 मिनट्स तक रखिए, उसके बाद हेड वॉश कर सकते हैं। बच्चे मीन्स एकदम बच्चे नहीं, 7-8 साल के बच्चे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ यहाँ पर 10 से अबव, 10, 12, 13, 14 ये सब की बात कर रही हूँ। और रहा सवाल गाइस बात बाकी, जो 15 से अबव है गाइस वो इसका आराम से जैसे मैंने बताया कंडीशन 30-45 मिनट्स वैसे ही रख सकते हैं। मेल फीमेल हर जेंडर यूज कर सकता है, जितना भी आपका एज है आप आराम से कीजिए। इसको कितने दिन लगा के रखना है हफ्ते में ये सुन लीजिए। इसको जो लो प्रोसेसिटी हेयर वाले वो हफ्ते में 15 दिन में एक दफा करेंगे, और जो हाई प्रोसेसिटी है वो हफ्ते में 1 दिन करेंगे, जी हाँ गाइस 1 महीने तक। उसके बाद
तो हाई प्रोसेसिटी वाले हफ्ते में एक दिन तक एक दिन करेंगे और लो प्रोसेसिटी वाले 15 दिन में एक दफा करेंगे, एक महीने तक, यानी एक महीने में दो बार करना है लो प्रोसेसिटी वाले को और एक महीने में चार बार करना है, सॉरी चार नहीं, हफ्ते में दो दिन करके आप आठ बार करना है आपका जाके हाई प्रोसेसिटी वाले। और मीडियम जो है गाइज वो भी हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, नॉट एन इशू गाइज। ये आपके बालों को हेल्दी करेगा, आपके स्कैल्प को हेल्दी करेगा, देन आपको हेल्दी हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करेगा और बालों में गाइज आपके जो लचीलापन जो है आएगा ना, आप हैरान जाएंगे। जब आपका बाल बीच बीच से जिनका टूटता है उनका टूटना बंद हो जाएगा, दो मुंह बालों तक को ये क्योर करता है, ये इतना अच्छा है। और प्लस गाइस एक बेनिफिट तो इसकी मुझे इतनी पसंद है कि राइस के अंदर, राइस के अलावा गाइस ये कोई नहीं कर सकता, ये आपके बालों को फ्लोर लेंथ तक लेके जा सकता है। यानी कि अगर आपके रुके हुए लेंथ यानी लेंथ अगर नहीं बढ़ रहा है जिनका, वो एक बार इस मास्क को जरूर अप्लाई करे, एक महीने तक कंटिन्यू करे और फिर कॉमेंट में आके मुझसे रिजल्ट जरूर शेयर करे। ये इतना अमेजिंग है गाइस कि मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपके लेंथ को अगर इसने नहीं बढ़ाया ना, तो आके कमेंट में साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा इस एक महीने के बाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि इस जर्नी में आप भी हमारे साथ हैं। मुझे बॉल्डनेस हुआ था, मैंने बॉल्डनेस फेस किया था और मैंने उसको रिकवर कैसे किया है, इस जर्नी में आप भी मेरे साथ रहिए और बाद बाकी जो बचा कुचा बॉल्डनेस है वो हम साथ में पार करेंगे। तो गाइस मिलती हूँ अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी लगाइए। बाय।